इस हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल को रात में भिगा दिया था। ये छिलके वाली मूंग की दाल थी, इसका छिलका हटा दिया है मैंने धो करके। अब इसको मिक्सर जार ले करके हमको पीसना है। पानी हटा देंगे इसका। इसका पेस्ट बना लेना है। दाल पीस के तैयार हो गई है। अब इसको हम बाउल में पलट लेंगे। अब ये नाश्ता तो बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। एक बार जो खा लेगा उस बार बार उसकी डिमांड करेगा। अब इसमें कुछ सामान हम डालेंगे। कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च हटा दीजिएगा। कूटा हुआ काला मिर्च, इसको कूट के लिया है काली मिर्च को। नमक, अगर चिली फ्लेक्स डालना है तो भी आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी, केवल हरी मिर्च का यूज करना है मुझे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको करीब 2 से 3 मिनट तक इसको हम इसी तरह बीट करेंगे, जैसे ये लाइट हो जाए और खूब अच्छा बने। एक ही डायरेक्शन में करेंगे। गैस पे तवा रख दिया है मैंने, नॉन स्टिक है, आप पैन में भी बना सकते हैं। आधा चम्मच इसमें तेल डाल दिया मैंने। अभी जो तैयार करके रखा है इसको डाल देंगे इसमें। इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, बहुत पतला नहीं करेंगे, तो फैला देंगे। फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है। अब इसमें ये ग्रेट की हुई गाजर है, थोड़ी सी ये डालेंगे। ये चुकंदर है, हरा धनिया, इसको बस बहुत ही ज़्यादा देर के लिए ढक देंगे। इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको टर्न करेंगे। उसके पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल देंगे। ये आधा चम्मच तेल लिया है मैंने, इसको ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे टर्न करने के पहले। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है।
गैस को मीडियम पर ही रखना है, नहीं तो जल जाएगा। ये तैयार हो गया है, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। मूव कर रहा है ये, देखिए। गैस को ऑफ कर देते हैं, ये देखिए। इस हेल्दी नाश्ते को आप जरूर एक बार बनाइएगा, कितना अच्छे से फूला हुआ है ये। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस हेल्दी नाश्ते को आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, जब मन हो तब खा सकते हैं। इसको बनाइएगा, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।